हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। वी आर गोइंग टू डिस्कस द इनसाइट आईएएस डेली करंट अफेयर ऑफ 11th of November 2020। द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, देर आर सिक्स टॉपिक्स फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन विद द फर्स्ट न्यूज़ फ्रॉम GS पेपर 1, विच कवर्स द टॉपिक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटीज एंड द इशूज। तो न्यूज़ है नेशनल एजुकेशन डे के बारे में। तो रिसेंटली क्या हुआ है, 2008 से, ठीक है, हम जो है 11th ऑफ नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे करके सेलिब्रेट करते हैं ऑन बिहाफ ऑन द ओकेजन ऑफ अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, इनके ऑनर में जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है एजुकेशन के फील्ड में, उसके वजह से हम जो है उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है, दैट इज़ ऑन 11th of November सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, अभी अब्दुल कलाम जो है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उनके बारे में देखा जाए, उनके की कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए, तो ही सर्व एज अ फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे वो फर्स्ट मिनिस्टर थे ऑफ एजुकेशन। उसके साथ साथ ही वॉज एन इंडियन स्कॉलर एंड इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट एंड ही वॉज वन ऑफ द सीनियर लीडर इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अलॉन्ग विद दिस ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग हिज टेन्योर व्हेन ही वॉज अ एजुकेशन मिनिस्टर। हीज मेन फोकस वॉज ऑन अ प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल एंड ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड अ भारत रत्न इन 1992 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड ही वॉज अ प्रायर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो IITs है उसके इस्टेब्लिशमेंट में जो मेन रोल रहा है उनका। उसके साथ साथ ही वॉज ऑल्सो लीड टू द फाउंडेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। ठीक है, इसके फॉर्मेशन के वक्त भी उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी अब्दुल कलाम आज़ाद जो है उनका नेशनल इंडियन जो स्ट्रगल था, ठीक है, नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में अगर देखा जाए, तो 1912 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्टार्टेड अ वीकली जर्नल। ठीक है, उन्होंने एक वीकली जर्नल स्टार्ट किया था, उर्दू लैंग्वेज में था वो जर्नल एंड उसका नाम था अल हिलाल। ठीक है, ये उनका नाम था एंड विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉरिंग इंडियन एंड सॉरी हिंदू और मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ आफ्टर द बैड ब्लड क्रिएशन फ्रॉम द टू कम्युनिटी इन द आफ्टरमार्ट ऑफ मोरले मिंटो रिफॉर्म। ठीक है, मोरले मिंटो रिफॉर्म के बाद जो भी जितना भी एक ये जो यूनिटी डिस्टर्ब हुई थी, तो उनका जो ये जनरल था उसने एक मेजर रोल प्ले किया था उस टाइम पे टू इंश्योर द यूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। ठीक है, अभी ये मोरले मिंटो रिफॉर्म क्या है, मोरले मिंटो रिफॉर्म जैसे हम जानते हैं ईयर 1909 उसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जैसे जो हमारा लक्ष्मीकांत है वहाँ पे सारा मेंशन है। ठीक है, जिसने पढ़ी होंगी उसको ज़रूर पता होगा कि मॉडले मिंटो रिफॉर्म क्या है, फिर भी एक शॉर्टली आइडिया आपको दे देती हूँ। मॉडले जो थे, लॉर्ड मॉडले, ही वॉज द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो ही वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1909, जिसको हम इस मॉडले मिंटो रिफॉर्म के बाद जितने भी जो एक्ट्स आए, ठीक है, उसको हम इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मॉडल मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। अभी उनका मेजर कंट्रीब्यूशन देखा जाए, मतलब मेजर फीचर देखे जाए, तो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स थे, जैसे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस टाइम पे उसके जो मेंबर्स थे बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस में इंक्रीज हो गए थे। उसके साथ साथ पर जब उन्होंने मेंबर्स इंक्रीज किए थे ना, ठीक है, मैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म के बारे में बता रही हूँ कि जो मेंबर्स इंक्रीज किए थे पर उन्होंने ऑफिशियल जो मेजॉरिटी है वो सेंटर में रखी थी, बट जो प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें ऑफिशियल मेजॉरिटी उनके मेंबर्स की नहीं थी। ठीक है, दैट इज़ ब्रिटिश के मेंबर्स की नहीं थी। उसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा न्यू चेंजेस आए थे। ठीक है, एक मेन जो इट वॉज इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ अ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कंसेप्ट ऑफ अ सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट का जो कंसेप्ट है मोरले मिंटो रिफॉर्म के वक्त आया था एंड इसलिए बोला जाता है कि जो मोरले थे, ठीक सॉरी जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, दैट इज ही वॉज द वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ अ कम्युनल इलेक्ट्रोल। ठीक है, तो इसलिए जो मोरले मिंटो रिफॉर्म है बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट ड्यू टू विच द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एस्टैब्लिश इन इंडिया। ओके, एंड मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मौलाना जो अब्दुल
कलाम आज़ाद थे, ही ऑल्सो सपोर्टेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जो स्टार्ट की थी गांधी जी ने, एंड अलॉन्ग विद दिस ही एंटर टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920। इन 1923 वो इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ही अगेन बिकम द प्रेसिडेंट इन 1940। इसलिए बोल सकते हैं दो बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग सेकुलरिज्म, ठीक है, अभी सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथ करने के लिए उनका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट मेंशन है कि जो सेकुलरिज्म फॉर आज़ाद रेस्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ वहादत ई दीन, ठीक है, इस प्रिंसिपल पे उसका उनका जो मेन सेकुलरिज्म था वो बेस्ट था, ठीक है। वहादत ई दीन मतलब यूनिटी ऑफ द रिलीजन, ठीक है। ऑन द अदर हैंड डिसरिगार्डिंग द इंटरमीडियरीज द प्रिस्टली कास्ट क्लास एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ अ रिलीजन, ठीक है, वो इसको जो है उतना एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड अलॉन्ग विद दिस ही यूज टू कैप्चर द ट्रू एसेंस ऑफ अ सेकुलरिज्म एंड प्लेस द हाइस्ट सेक ऑफ एजुकेशन एंड अ डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड एंड अ मैन कॉन्शियसनेस अबाउट हिमसेल्फ, ठीक है, जो है एक ट्रू एसेंस जो है सेकुलरिज्म का वो मानते थे, और उसके साथ साथ उनका जो मेन फोकस या मेन स्टेक जो था एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन माइंड, ठीक है, इन सब पे था। इसके बाद एज अ एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है, जब वो एजुकेशन मिनिस्टर्स थे तो ही डिज़ायर दैट रिलीजन एजुकेशन बी इम्पार्टेड अलॉन्ग विद द सेकुलर एजुकेशन, ठीक है, तो रिलीजियस एजुकेशन जो है इट शुड बी इम्पार्टेड अलॉन्ग विद द सेकुलर एजुकेशन एंड द सीरियस बिजनेस ऑफ अ रिलीजन एजुकेशन कैन नॉट बी लेफ्ट टू द रिलीजियस रिस्पेक्टिव रिलीजियस लीडरशिप ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है। तो जो भी रिलीजियस एजुकेशन हो इट शुड नॉट ओनली रेस्टिक और इट शुड नॉट लेफ्ट टू द रिस्पेक्टिव रिलीजन लीडरशिप, ऐसा भी उनका मानना था, ठीक है। आज़ाद डिजायर दैट द कॉमन वैल्यूज ऑफ ऑल द रिलीजन शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट, ठीक है, सभी रिलीजन के एक कॉमन जो वैल्यूज होते हैं वो सारी स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाने चाहिए, ठीक है, ऐसा वो मानते थे। सो दैट दे डू नॉट डेवलप अ प्रेजुडाइज अगेंस्ट ईच अदर, इसके वजह से क्या होगा एक कम्युनल जो है जो एक दूसरे के कास्ट के बारे में दूसरे के रिलीजन के बारे में जो एक डिसरिस्पेक्ट जो है ऐसा कुछ नहीं डेवलप होगा, इसलिए जो उनका मानना था कि कॉमन जो वैल्यू है ऑफ एजुकेशन शुड बी टॉट टू द एवरी स्टूडेंट। सेकुलरिज्म अकॉर्डिंग टू द आज़ाद वॉज नॉट कन्फाइंड इन द रिलीजन टू ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टन रिचुअल विद इन द होम बट अ रिलीजन इंस्पायरिंग फॉलोअर टू राइट to leave righteous path and seeking a guidance of Almighty in understanding what the right path is. Therefore, every human has been struggling to become a better follower of the respective religion. ठीक है, इस तरीके से वो जो अब्दुल कलाम थे वो उनका एक सेकुलरिज्म का एक पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, इस तरीके से हमने जो फर्स्ट न्यूज़ है वो कवर कर ली। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। GS2 पेपर की न्यूज़ है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ अ प्रिफरेंस ट्रेड प्रिविलेज। तो कंटेक्स्ट क्या है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है, इनिशियली क्या हुआ था जब US के जब प्रेसिडेंट ट्रंप थे उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस था, ठीक है, जो ट्रेड प्रिविलेज प्रोवाइड करता था इंडिया को 2019 में US एडमिनिस्ट्रेटर ट्रंप के टाइम पे जो है प्रिविलेज इंडिया को जो मिल रहा था तो वो उनको विड्रॉ कर दिया गया था। ठीक है, तो अभी होप है, ठीक है, बिडेन का जो एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा होप है कि ही कैन अर्लियरली रिस्टोर द जनरलाइज प्रिफरेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, अभी ये क्या है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ अ प्रिफरेंस क्या है, तो इट इज़ अ US ट्रेड प्रोग्राम, ठीक है, US बेस्ड ट्रेड प्रोग्राम है जो डिज़ाइन टू प्रमोट अ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री टू बाय प्रोवाइडिंग अ प्रिफरेंशियल ड्यूटी फ्री एंट्री। ठीक है, ड्यूटी फ्री एंट्री प्रोवाइड की जाती है जिस भी कंट्री का नाम जो है जनरलाइज सिस्टम ऑफ अ प्रिफरेंस में मेंशन हो, ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो। ठीक है, कितने प्रोडक्ट्स के लिए, फॉर अप टू 4,800 प्रोडक्ट्स फ्रॉम अबाउट 129 डेजिग्नेट बेनिफिशरी कंट्रीज एंड द टेरिटरीज। ठीक है, ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ रेफरेंस है वॉज इंस्टीट्यूटेड ऑन January 1, 1976 एंड किसके थ्रू बनाया गया, ट्रेड एक्ट 1974 के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। ठीक है, एंड ये जो है इट हैज़ बीन गिवन एज अ नॉन रेसिप्रोकल बेसिस, येट द US हैज़ लिंक इट विद द मार्केट एक्सेस द टैरिफ रिडक्शन विच इज़ अगेन एज द बेसिक टेंट ऑफ अ GSP। ठीक है, अब ये इस GSP का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है
टू गिव अ डेवलपमेंट सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, जो भी पुअर कंट्रीज़ है उनको उनको डेवलपमेंट सपोर्ट मिलेगा। ऑब्वियसली अगर आप जो उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है या जो भी पुअर कंट्री है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट क्या है, GSP प्रमोट करता है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए इन द बेनिफिशरी कंट्रीज़ बाय हेल्पिंग द कंट्रीज़ टू इंक्रीज़ एंड डाइवर्सिफाइड देयर ट्रेड विद द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के साथ उनका जो ट्रेड है डाइवर्सिफाई करे, उसको इंक्रीज़ करे, ठीक है, जितने भी बेनिफिशरी कंट्रीज है, ठीक है, ऐसा GSP का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अभी इंडिया ज्वाइन होगी अगर इनके बिडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में, इफ़ ही जो विड्रॉ किया वाला एग्रीमेंट है, ठीक है, उसको अगर उन्होंने वापस ले लिया है तो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, तो इंडिया का जो एक्सपोर्टर्स है, एक्सपोर्टर बेनिफिट इनडायरेक्टली, दैट इज़ दो द बेनिफिट कैन अक्योर्ड टू द इम्पोर्टर बाय द वे टू रिड्यूस अ टैरिफ और ड्यूटी फ्री एंट्री फॉर अ एलिजिबल इंडियन प्रोडक्ट। सेकेंड क्या होगा, जो इट विल हेल्प टू रिड्यूस और रिमूवल ऑफ अ इम्पोर्ट ड्यूटीज, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करने के लिए हेल्प होगा ऑन द इंडियन प्रोडक्ट, एंड दस क्या होगा, ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है टू द इम्पोर्टर मे बी इट कैन बी इंक्रीज। एंड थर्ड क्या है, जो टैरिफ प्रिफरेंस है हेल्प न्यू एक्सपोर्टर, ठीक है, जो टैरिफ प्रिफरेंस ऑब्वियसली हेल्प करेगा काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्टर्स को, किस वजह से, ठीक है, टू पेनिट्रेट द मार्केट एंड टू एस्टैब्लिश द एक्सपोर्ट, टू इंक्रीज देयर मार्केट शेयर एंड इम्प्रूव द प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इसलिए जो है GSP जो है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी रहेगा। इस तरीके से हमने सेकेंड न्यूज़ जो है वो कवर कर ली। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आर्मेनिया अजरबैजान एग्री ऑन अ पीस डील। तो कंटेक्स्ट क्या है, आर्मेनिया और जो अजरबैजान है उन्होंने एग्री कर दिया है विथ रशिया टू एंड द फ्रीज क्लैशेस ओवर द नगराओ काराबक्श, ठीक है, इस रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, जो क्लैशेस हो रहे थे, उसको जो है एक क्लैशेस को ओवर करने का, ठीक है, उसको ख़त्म करने का एग्री कर दिया है किसने, आर्मेनिया अजरबैजान ने एग्री विद द रशिया, ठीक है। अभी कुछ बैकग्राउंड देखा जाए तो 3 अर्लियर सीज़ फायर एग्रीमेंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है उसका ब्रोक डाउन हुआ था बाय द रशिया, फ्रांस एंड द यूनाइटेड स्टेट क्विकली ब्रोकन डाउन। अब सीज़ फायर क्या होता है, सीज़ फायर मतलब बोल सकते हैं एक टेम्प्रेरी स्टॉपेज ऑफ अ वॉर इन विच ईच साइड एग्री विथ अदर टू सस्पेंड द एग्रेसिव एक्शंस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सीज़ फायर एग्रीमेंट, ठीक है। तो अभी सीज़ फायर ऐसा काफ़ी जो था ब्रोकन, इट वॉज ब्रोकन डाउन बाय द रशिया फ्रांस एंड यूनाइटेड स्टेट क्विकली ब्रोकन डाउन, एंड दस हम क्या बोल सकते हैं कि जो लेटेस्ट जो एशिया के एफर्ट्स है, ठीक है, इट इज़ डिस्टिंक्ट फॉर सेंडिंग अ पीस मेकर ट्रू फॉर द स्वीपिंग कंसेशन आर्मेनिया एक्सेप्ट to avoid the battle losses. What was the conflict all about? ये conflict क्या है, ठीक है, ओवरऑल एक आइडिया दे देती हूँ। तो काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है, डिकेड लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द आर्मेनियन अजरबैजान ओवर द इनक्लेव ऑफ नागोरो काराबक्श, ठीक है, इस रीजन में, इन दोनों रीजन का काफ़ी ज़्यादा जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, इन द लेट इट वॉज इरप्टेड लेट सेप्टेम्बर, ठीक है, एंड वर्स्ट फाइटिंग इन द एरिया हैज़ बीन अ ऐसा माना जाता है कि जो इथनिक वॉर हुआ था 1990 के, इसकी तरह जो है एक कंडीशन वहाँ पे है, ठीक है, काफ़ी जो वॉर चल रहा है इस रीजन के लिए, ठीक है, इन इनक्लेव ऑफ दिस रीजन, ठीक है, और इसके साथ क्या हुआ है, स्क्रीमिक्स हैज बीन कॉमनली फॉर अ ईयर लॉन्ग द फ्रंट लाइन ऑफ नागोरन काराबक्श विच इज ए इंटरनेशनली रिकग्नाइज एज द पार्ट ऑफ अजरबैजान बट इट इज़ अ होम ऑफ एथनिक आर्मेनिया, ठीक है, इंटरनेशनली ये जो रीजन है ना तो वो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान बट वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा जो है इथनिक आर्मेनियन पीपल्स रहते हैं, ठीक है, एंड दस हम बोल सकते हैं कि इसके वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, ठीक है। अभी वाई दिस कॉन्फ्लिक्ट फ्लेयर अगेन रिसेंटली, ठीक है, द रीजन इज़ इथनिक टिंडर बॉक्स, ठीक है, एक रीज़न हो गया, ठीक है, लोकल फाइट ड्रिव इन द रीजनल पावर, ठीक है, लोकल फाइट जो है रीजनल पावर के इसमें इट हैज़ बीन ड्रिवन अप एंड दस वार्निंग साइन वेयर इग्नोर, ठीक है, जितने भी वार्निंग मिल रही थी वो सारे इग्नोर किए गए, ठीक है, इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इट हैज़ बीन फ्लेड अप
रिसेंटली. अब द देखते हैं कि द स्टोरी ऑफ अ नागोरो काराबख्श, इस रीजन की स्टोरी देखा जाए, इनिशियली इट वॉज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान. ओके, अभी भी वो इंटरनेशनली पार्ट है अजरबैजान का, बट वहाँ पे जो पॉपुलेशन है मेजोरिटी अर्मेनियन है. ठीक है, एज अ सोवियत यूनियन वॉज इंक्रीजिंग टेंशन इन अ कंस्टिट्यूएंट रिपब्लिक इन 1990s, नागोरो काराबख्श वोटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ अर्मेनिया. ठीक है, इनिशियली उन्हें 1990s के टाइम पे ऐसे डिक्लेयर हुआ था कि इट कैन बिकम द पार्ट ऑफ अर्मेनिया, स्प्रेकिंग अ वॉर विच स्टॉप बिटवीन द सीज फायर इन 1994. ठीक है, सिंस देन जो ये रीजन है इट इज़ रिमाइंड एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, बट इट इज़ कम्प्लीटली कंट्रोल्ड अंडर द एथनिक जो ग्रुप है अर्मेनिया उसके अंडर में था. ठीक है, एंड इट इज़ बैक बाय द अर्मेनियन government. Until recent negotiation mediated by the international power, it has failed to deliver the peace agreement. ठीक है, जो भी पीस एग्रीमेंट है काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली पावर यूज़ करके जो है मेडिएट करने का ट्राई किया, पर काफ़ी जो है उसमें फेलियर ही फेस करना पड़ा. ठीक है, अर्मेनिया इज़ अ मेजोरिटी क्रिश्चन एंड वाइल अजरबैजान के जो है मेजोरिटी मुस्लिम है. ठीक है, टर्की हैज़ ऑल्सो क्लोज टाई विद अजरबैजान वाइल रशिया हैज़ अलायंस विद अर्मेनिया, ऑल्दो इट हैज़ बीन अ गुड रिलेशन विद द अजरबैजान. ठीक है, ये होगा एक छोटा सा बैकग्राउंड. ठीक है, यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हो ये अजरबैजान का रीज़न है, ये अर्मेनिया का रीज़न है, और ये जो है नागोरा काराबख्श का रीज़न है. ठीक है, देन मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट न्यूज़, GS3 पेपर की न्यूज़ है, थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट mRNA वैक्सीन. ठीक है, तो mRNA वैक्सीन रिलेटेड न्यूज़ है. द नोवेल mRNA वैक्सीन कैंडिडेट ऑफ अ पुणे बेस्ड जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल हैज़ अप्रूव अ फंडिंग एज अर्लियर एज बाय जुलाई डिपार्टमेंट फ्रॉम अ बायोटेक. ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से उन्होंने फंडिंग की ये की है, अप्रूव किया है, अप्रूव मिला गया है. ठीक है, mRNA वैक्सीन को. ठीक है, बींग अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट दैट रिक्वायर जेनेटिक मैनिपुलेशन, इट नीड टू बी क्लियर बाय द रिव्यू कमिटी ऑफ अ जेनेटिक मैनिपुलेशन. ठीक है, अभी ये जो प्रोडक्ट है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. ठीक है, जिसके लिए हमें जेनेटिक मैनिपुलेशन लगता है, इसलिए ठीक है उनको एक रिव्यू कमेटी से जो है क्लियरेंस लगता है. ठीक है, इट शुड बी नीड टू बी क्लियर फ्रॉम द जो रिव्यू कमेटी होती है ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन. ठीक है, ये किसकी बॉडी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक है उनकी ही एक बॉडी है. बिफोर इट हैज़ बीन अप्रूव एज अ ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया को से अप्रूव मिलने के पहले जो है उनको क्लियरेंस लगता है. ठीक है, एंड इट हैज़ नाउ बीन सेड दैट इस वैक्सीन मे बी रेडी टिल मार्च. ठीक है, ये जो वैक्सीन है मार्च तक जो है रेडी हो सकती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डू द वैक्सीन वर्क, अभी ये वैक्सीन किस तरीके से वर्क करती है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो वैक्सीन वर्क बाय द ट्रेनिंग द बॉडी टू रिकोगनाइज एंड रिस्पॉन्स टू द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म सच एज अ वायरस और द बैक्टीरिया. ठीक है, ये वैक्सीन से क्या होता है, बॉडी इस तरीके से ट्रेन हो जाती है कि उसको रिकोगनाइज और रिस्पॉन्स करती है टू द प्रोटीन जो प्रोड्यूस किया प्रोड्यूस होता है बाय द बैक्टीरिया सॉरी बाय द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो भी हो. ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया उस टाइप का. ठीक है, ट्रेडिशनली वैक्सीन जो है आर मेड फ्रॉम द स्मॉल और इनएक्टिव डोज ऑफ द होल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसी से जो है इनएक्टिव डोज जो है स्मॉल और इनएक्टिव डोज उसी से बनाया गया है. ठीक है, और अ प्रोटीन दैट इज प्रोड्यूस विच इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी टू प्रोवोक द इम्यून सिस्टम इन माउंटिंग अ रिस्पॉन्स. ठीक है, तो इससे क्या होता है जो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, अभी mRNA वैक्सीन के बारे में अगर देखा जाए, mRNA जो वैक्सीन है ठीक है, तो ट्रिक द बॉडी इंटू प्रोड्यूसिंग सम ऑफ द वायरल प्रोटीन इटसेल्फ. ठीक है, तो वायरल प्रोटीन को डेवलप करने के लिए हेल्प करता है. द वर्क जो किया जाता है बाय यूजिंग mRNA और द मैसेंजर RNA. ठीक है, विच इज द मॉलिक्यूल दैट इसेंशियली पुट DNA इंस्ट्रक्शन इंटू एक्शन. ठीक है, तो DNA इंस्ट्रक्शन को इट हेल्प टू पुट द इंस्ट्रक्शन इंटू द एक्शन एंड इन साइड द सेल ऑफ mRNA इट इज़ यूज एज अ टेम्पलेट टू बिल्ड अ प्रोटीन. अब हाउ डज इट वर्क, यहाँ पे दिया है कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है. तो इट प्रोड्यूस एंड mRNA वैक्सीन साइंटिस्ट प्रोड्यूस अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ अ mRNA दैट द वायरस यूज टू बिल्ड दिस इन्फेक्शन प्रोटीन. ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, दिस mRNA जो है इट इज़ डिलीवर इन टू द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, डिलीवर किया जाता है हु सेल रीड इट एज अ इंस्ट्रक्शन टू द बिल्ड अ वायरल प्रोटीन एंड देयर फोर क्रिएट सम ऑफ द वायरल मॉलिक्यूल्स देम सेल. ठीक है, वायरल मॉलिक्यूल खुद से ही बनाया जाता है. बाद में क्या होता है, दिस प्रोटीन आर सॉलिटरी एंड दस दे डू नॉट असेंबल टू फॉर्म अ वायरस.
एंड द इम्यून सिस्टम जो है देन डिटेक्ट करती है दिस वायरल प्रोटीन एंड स्टार्ट टू प्रोड्यूसिंग अ डिफेंसिव रिस्पॉन्स टू देम. ठीक है, इम्यून सिस्टम ही खुद डिटेक्ट करती है इस टाइप के वायरस को एंड देन इट इज़ जो उसके डिफेंसिव रिस्पॉन्स ठीक है उसको प्रोड्यूस करने किया जाता है. ठीक है, होता है. सिग्निफिकेंस क्या है इस वैक्सीन का? ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे मेंशन जैसा है इस यहाँ पे कि दे आर द टू पार्ट ऑफ अवर इम्यून सिस्टम इन इट जो है डिफेंस वी आर बॉर्न विथ एंड एक्वायर विच वी डेवलप एज वी कम इन टू कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन. ठीक है, दो पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम के यहाँ पे जैसे मेंशन है. अब क्या है, क्लासिकली वैक्सीन मॉलिक्यूल यूजली ओनली वर्क विद एक्वायर इम्यून सिस्टम एंड द इनेंट इम्यून सिस्टम इज एक्टिव बाय अदर इंग्रेडिएंट कॉल एज अ एडजुवेंट. ठीक है, जो है इनिशियली जो क्लासिकल जो वैक्सीन होते हैं बस एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम से के साथ ही वर्क करती है, बट जो इनेंट इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव की जाती है दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ कॉल एज अ एडजुवेंट. ठीक है, उसके साथ क्या है, इंटरेस्टिंगली mRNA जो है इज अ वैक्सीन कुल ऑल्सो ट्रिगर द इनेट इम्यून सिस्टम. ठीक है, ये जो वैक्सीन है इनेट इम्यून सिस्टम को भी जो है ट्रिगर करती है. ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा लेयर फॉर द डिफेंस आउट ऑफ एडिंग द adjuvant. ठीक है, इनेट इम्यून सिस्टम के दो पार्ट होते हैं इनेट. ठीक है, डिफेंस वेयर वी आर बॉर्न विथ एंड एक्वायर्ड विच वी डेवलप विद द पैथोजन कम when we come in contact with that particular pathogen. Next is 30-meter telescope के बारे में है. तो context देखा जाए तो Indian astronomy ने collaborate किया with the Nobel laureate on 30-meter telescope project. ठीक है, 2020 physics Nobel जो है जिसको मिला Nobel laureate that is Professor Adarjee has worked closely with the Indian astronomer on the design of a back-end instrument. अभी हो गया. अभी ये जो 30-meter टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है उसके बारे में अगर देखा जाए, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी ठीक है विच इज़ एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप इंटरनेशनली प्रोजेक्ट है जो फंड किया जाएगा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा चाइना इंडिया जापान एंड यूएस थ्रू. प्लान लोकेशन देखा जाए उसका तो माउने की जो आइलैंड है हवाई का इन द यूएस स्टेट ऑफ हवाई एंड पर्पज देखा जाए ये जो 30-meter टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है ठीक है is designed for a near ultraviolet to mid infra observation के लिए. ठीक है, ultraviolet to mid infra जो observation के लिए जो है इसको design किया गया है उनको feature करने के लिए adaptive optic to asset into the correct image blur. significance देखा जाए TMR will enable the scientists to study a faintier object. ठीक है, जितने भी faint object है यूनिवर्स में उसको स्टडी करने के लिए हेल्प होगा एंड दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्लियर स्टेज ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स अलॉन्ग विद दिस इट ऑल्सो विल हेल्प टू गिव अस द फाइनल डिटेल. ठीक है, फाइनल डिटेल को देने के लिए भी हेल्प होगा ऑफ नॉट सो फार अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लाइक अनडिस्कवर्ड प्लानट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे दिया है 30-meter डायमीटर. ठीक है, इतने सेगमेंट है 192 सेगमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग ग्लास पीसेस टुगेदर टू फॉर्म वन जॉइंट प्राइमर इमेज. टोटल कलेक्टिंग एरिया 655 स्क्वायर मीटर तक एरिया है. ठीक है, रिजोल्यूशन देखा जाए 20 टाइम्स शार्पर रहेगा दैन द दैट ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप. नेक्स्ट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में न्यूज़ है. तो कंटेक्स्ट देखा जाए तो द एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली एंड द नोएडा जो है सेवरल की जो है सेवरल कैटेगरी में गई है फॉर द 6 कंसेक्यूटिव डे. ठीक है, सो जो न्यूली फॉर्म्ड ये है ठीक है कमीशन ऑन एग्रीकल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट उन्होंने इंटरिम मेजर्स जो है लिए है एंड गिवन द CPCP. ठीक है, CPCP दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दी है कि वो ऑपरेशनलाइज करे मेजर्स अंडर द ग्रेडेड एक्शन जो प्लान है रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ऑन द एयर पोल्यूशन. अभी इस प्लान के बारे में अगर देखा जाए ये इस तरीके का प्लान है जो इमरजेंसी मेजर लेता है टू इम्प्लीमेंट द कंट्रोल ऑन द एयर पोल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द एयर क्वालिटी. ठीक है, अभी काफ़ी सेवरल जो एयर पोल्यूशन है वहाँ पे दिल्ली में सिंस द 6 कॉन्जिक्यूटिव डे. ठीक है, इसलिए जो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करे ऐसा बोला है. अप्रूव मिला था उसको 2016 में ही. प्रिपेयर किया गया है इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी टू एक इमरजेंसी मेजर है एंड वेन द एयर क्वालिटी शिफ्ट फ्रॉम पुअर टू वेरी पुअर. ठीक है, शिफ्ट हो जाती है पुअर टू वेरी पुअर के कैटेगरी में द मेजर लिस्ट हैव टू बी सिंस फॉलोड सिंस द प्लान इज इंक्रीमेंटल इन द नेचर. ओवरऑल प्लान के बारे में कुछ आइडिया देखा जाए
प्लान जो है इट विल टेक अ रिक्वायर्ड एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन विद द 13 डिफरेंट एजेंसीज इन दिल्ली, ठीक है, उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड राजस्थान, दैट इज़ NCR रीजन में भी जो है एक्शन प्लान प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करेगा. एंड जो है एट द हेड जो है टू द टेबल EPCA, ठीक है, जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी है, ठीक है, वो रहेगा. एंड इट इज़ मैंडेट बाय द सुप्रीम कोर्ट. बिफोर द इम्पोजिशन ऑफ एनी मेजर, जो EPCA है होल्ड करेगा एक मीटिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द NCR स्टेट एंड दे विल कॉल टू टेक द एक्शन विद कैन बी अप्लीकेबल टू द टाउन्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे देखो जो पोल्यूशन है कितना क्वालिटी, ठीक है, एयर क्वालिटी क्लासीफाई किए गए चार क्वालिटीज, चार कैटेगरी में, ठीक है, पुअर टू मॉडरेट, वेरी पुअर, सेवरल एंड वेरी सेवरल और द इमरजेंसी, ठीक है. तो डिफरेंट डिफरेंट जो कंटेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे जब दिया है मॉडरेट और पुअर के लिए, ठीक है, मॉडरेट विल बी द कंडीशन व्हेन PM5 एंड PM10 जो लेवल है यहाँ इतना तक रीच होता है, ठीक है, 61 to 90 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब इतना, ठीक है. इस तरीके से काफ़ी डिफरेंट, ठीक है, वेरी पुअर का भी यहाँ पे मेंशन है. उसके साथ साथ जो है एक बार ये जो बॉक्स है आप ज़रूर देख लेना, ठीक है, यहाँ पे बस स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए पर्टिकुलर जब इंक्रीज होता है एक बार बस पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कौन से लेवल में, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है. अब देखते हैं इस कमीशन के बारे में. कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, सेट अप थ्रू द कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड अजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020 अक्टूबर में आया था इस साल में, ठीक है. सुपरसीड करती है बॉडीज सच एज द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, UP एंड राजस्थान, ठीक है. एंड दे विल हैव द पावर कि वो इशू कर सकते हैं डायरेक्शन टू द स्टेट्स, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशूज रिलेटेड टू द एयर पोल्यूशन. कंपोजिशन देखा जाए तो परमानेंट बॉडी है 20 मेंबर्स की, चेयरमैन की चेयर की जाती है बाय द ऑफिशियल जो रैंक होता है सेक्रेटरी ऑफ अ चीफ सेक्रेटरी, मतलब जिसकी रैंक सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी तक होती है. जुडिशन का देखा जाए तो एक्सक्लूसिव होता है ऑन ओवर द NCR रीजन इंक्लूडिंग द एरिया ऑफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान इन मैटर ऑफ एयर पोल्यूशन. एंड इट इज़ वर्क अलॉन्ग विद द CPCB के साथ भी वर्क करता है, ठीक है. CPCB का फुल फॉर्म है दिस इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इसरो के साथ भी वर्क करता है अपार्ट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टुडेज न्यूज सेक्शन एंड हैव अ नाइस डे. आज थोड़ा फ्लक्चुएशन लगा होगा इतने इससे नहीं बताएं बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग दैट वेल. प्लीज़ एक्सेस फॉर टूडे एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.